अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मोहसा अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप अभी किस स्टेट में हैं और किस यूनिवर्सिटी में हैं। तो यहाँ पर यूएस में मैं हूँ, लुइस क्लार्क स्टेट कॉलेज में, और ये है सिटी लुइस्टन और स्टेट आइडहो। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुजफ्फराबाद, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आप अपना मेजर्स के मतलब बता दें कि मेजर्स आपके क्या थे पाकिस्तान में और यूएस में, आप कौन से कोर्सेज कर रहे हैं? मेजर मतलब मैं तो लॉ कर रही हूँ, LLB कर रही हूँ, 5 ईयर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से। और यहाँ पे भी मेरे, क्योंकि यू ग्रेड में हमें 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं फील्ड ऑफ स्टडी से, तो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। वन कोर्स इज लॉ एंड सोसाइटी एंड द अदर वन इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके अलावा मैं ले रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग और क्या था, सोशल प्रॉब्लम्स, एंड वन इज ST 192 जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट सेमिनार होता है। ओ दैट्स इट। सही है, सही। मतलब ये ऑप्शन है आपका जो लास्ट वाला कोर्स था? ये नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है मेरे लिए ठीक है, ठीक है। ये लाइक हमें करना होता मैक्सिमम क्रेडिट्स कितने अलाउ हैं आपको इस है। प्रोग्राम में? मैक्सिमम आई गेस 17 तक हैं, लेकिन वहाँ तक करने नहीं देते होते आईरेक्स, तो 12 और 13 वो कहते हैं कि मैक्सिमम 12 13 आपके हों, पर बहुत ही आपकी अगर मजबूरी है, कोई नहीं है, कोर्सेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो फिर वहां तक आप जा सकते हैं। तो अभी आप कितने क्रेडिट्स स्टडी कर रही हैं? 12 और 13 ठीक है, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन से अभी पब्लिक यहाँ पे, लाइक स्पीकिंग, उसकी कोई रीजन खास? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। नहीं, वो मैं आपको जो है लास्ट एंड में, वो आई आपको शार्ट आउट ऑलवेज मिलेंगे तो। या एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। तो मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, और मुझे पहले पता भी नहीं था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग जो है ना यहाँ पर मैं चूज कर सकती हूँ। मुझे बाद में पता चला, और फिर मैंने उसके लिए इंग्लिश का कोर्स कैंसिल कराया। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना वो, मैंने पब्लिक स्पीकिंग ही रखनी है, फिर मैंने रख ली। ठीक। तो आपको इजिली लाइक अलाउ कर दिया था आपके एरेक्स एडवाइजर ने या किस तरह? क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इवन वो बड़े करते हैं कि हमारे क्रेडिट्स ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, हमें अलाउ किया जाएगा, एरेक्स एडवाइजर अलाउ करेगा हमें ये स्टडी करने के लिए कोर्स या नहीं करेगा, तो वो लाइक किस तरह एरेक्स एडवाइजर बहुत ही चिल होते हैं, सख्त होते हैं, या क्या कहेंगे आप? डिपेंड करता है, मतलब आपकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी तो क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर करती है या नहीं करती, उस आईरिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपका हेडेक है। लेकिन आईरिक्स ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग क्यों अलाउ किया, क्योंकि इंग्लिश जो थी मेरी, इधर मेरे कॉलेज में ना कंपलसरी नहीं थी, मतलब आप वो कैंसिल करवा सकते थे। तो मैंने उनको बताया कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग, तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो जब आपकी होस्ट एडवाइजर ने आपको अलाउ कर दिया, तो फिर आईरिक्स को कोई इशू नहीं ठीक हो गया, ठीक हो है। गया। और हम देख रहे हैं कि आप जो है वो काफी ज्यादा घूम भी रही हैं यूएस में, और एंड तो एंड पे उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अभी तक कौन सी बेस्ट स्टेट लगी आपको? न्यूयॉर्क, अच्छा, लाइक क्यों, का क्या खास है ऐसा न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क इज मैजिकल। मैं क्या कहूँ, न्यूयॉर्क मजे का है। न्यूयॉर्क, एक तो ये भी रीजन था कि मुझे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जाना था हमेशा से, तो मुझे वो एक ड्रीम था, तो वो फुलफिल हो गया। उसके अलावा टाइम स्क्वायर पे जाके एक अलग ही वाइब्स थी, मतलब टाइम स्क्वायर पे आपको जाके पता चलता है कि आप न्यूयॉर्क आए हो, तो लाइक बहुत वहीं अच्छा पे जाके लगा पता था। चलता है कि न्यूयॉर्क नेवर स्लीप्स। हाँ यस, बाकी ठीक है, भी ठीक। न्यूयॉर्क सिटी है, लेकिन टाइम स्क्वायर पे आपको फील होता है कि अच्छा ये न्यूयॉर्क है। लाइक न्यूयॉर्क में जो कहते हैं कि नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो उसके मतलब क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन मेरे ख्याल में कोविड के बाद जो है ना, अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। ठीक है, टाइम स्क्वायर वगैरह पे वही माहौल है सारा, लगता नहीं है कि रात का टाइम है, लेकिन आप उससे हटके अगर टाइम स्क्वायर से बाहर निकलोगे, तो अब काफी जो है ना सुनसान सा होता है। कोविड के ओ बाद काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन है सिंपल सा, लाइक अभी आप जिस तरह डिफरेंट सिटीज गई हैं, मेरे ख्याल से आप सैन फ्रांसिस्को भी गई हैं, न्यूयॉर्क भी गई हैं, लॉस वेगस भी गई हैं, नहीं, वेगस नहीं।
वेगस नहीं गई, एलए गई थी आप, तो इन तीन सिटीज में सबसे अच्छा सिटी कौन सा है? लॉस वेगास और सैन फ्रांसिस्को और किस नहीं, न्यूयॉर्क लॉस भी, वेगस को छोड़ देना, सॉरी हाँ आप एलए को लॉस लेके, लॉस एंजेलिस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अच्छा, तो आपको लाइक गोल्डन गेट ब्रिज अच्छा नहीं लगा? गोल्डन गेट ब्रिज भी अच्छा लगा, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो अभी वो लंबी बात है, वो मैं सुना नहीं सकती, तो होमलेस थोड़ा पीपल मजा मिल गए खराब थे हो गया आपको? था। नहीं हम मतलब होटल में जो है ना लोगों ने तोड़फोड़ की हुई थी, हम जिस होटल में चले गए थे, और फिर हमने 911 को कॉल की, और फिर हमने आईरिक्स एडवाइजर को भी बताया, और फिर हम एयरपोर्ट भागे, और एयरपोर्ट जाके हमने न्यू होटल बुक कराया और हम वहां पे गए, तो वो बस मजा खराब हो गया था। ओ अच्छा लेकिन अच्छा ये कि हम नेक्स्ट डे मजा आया गोल्डन गेट ब्रिज पे, फिर हम एक बीच पे गए, अच्छा था वो भी। अच्छा अभी आपने बात की 911 की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 911 एंड 15 इन पाकिस्तान? कोई डिफरेंस नहीं है हमारे लिए तो, क्योंकि क्यों वैसे ही बहुत लाइक? उम्मीदें थी, उम्मीदें तो बहुत थी कि 911 अच्छा। है यार इमरजेंसी, लेकिन वो सैन फ्रांसिस्को की थी ना, तो वो अच्छा नहीं था वो मतलब एक्सपीरियंस, और ये चीज मैंने फील की, और मैंने कहा कि हाँ हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि बाकी बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं बाहर और ये वो, लेकिन 911 को हम कॉल कर रहे हैं, उन्हें क्वेश्चंस की भरमार की हुई है, आंसर में दे दे के बाद में मेरी फ्रेंड कहती है मुझे मोहतसा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा क्यों, जवाब क्यों दे रही थी तुम उनके आंसर के, हम इमरजेंसी में थे और वो इतनी सवाल कर रही थी। मैंने कहा जवाब तो देने थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे जवाब देने के बाद हमने वेट किया काफी देर, जो वहां पे एम्प्लॉय था वो हमें और डरा रहा था कि यहाँ पे मत रहो ये सेफ प्लेस नहीं है, हमने कहा पहले ठीक है नाइन वन आप वन आए हमें यहाँ से बाहर लेके जाए, पर वो नहीं आए। लाइक वो है सैन फ्रांसिस्को में, जब हम लोग भी गए थे तो हम लोग भी डर गए थे, तो वो एक तो आई थिंक यूनियन स्क्वेयर है, पता नहीं कौन सी जगह है, एक दो तो वहां पे बहुत ज्यादा होमलेस पीपल होते हैं, वो फिर आपको करते हैं, कोई नहीं है, लेकिन ट्रेजेडी अच्छी बात है, एडवेंचर होता है, अब काफी सीखा के साथ हाँ नहीं होगा बहुत। तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा, अभी तक आपका जो है वो फेवरेट मोमेंट क्या है यहाँ पे यूग्रेड में, आपके कैंपस में, या फिर कहीं कैसे भी, कहीं भी आपके ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या कुछ भी? राफ्टिंग ट्रिप, अच्छा, वो कैसे लाई? क्योंकि मुझे पानी से डर लगता था और मैंने नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी वो भी एक राफ्ट में, और वो बहुत अच्छा था, वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था और बड़ा मजे का था, और हम किस इतनी किस स्टेट देर में ही आपने पानी में किया थे, था? यही अपनी स्टेट में आइडाहो में स्नैक रिवर। इडाहो भी मेरे ख्याल से मैं कभी गया तो नहीं था, लेकिन मैंने भी पहली बार सुना था जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी। ठीक है। अच्छा, एक कोई ऐसी बात जो कि यूएस के लोगों में यूनिक हो, लाइक पाकिस्तानी पीपल में नहीं है लेकिन यूएस के लोगों में है वो। हैं बहुत पाकिस्तानी भी हैं, अब ये लोगों पे डिपेंड करता है ना हम किन लोगों से मिलते हैं, लेकिन यूएस के लोग बहुत ज्यादा काइंड हैं, मतलब उन्हें नहीं फर्क पड़ता आप कौन है, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। इवन न्यूयॉर्क का सब कहते हैं ना कि न्यूयॉर्क में उस तरह से नहीं है लोग, लेकिन हम जब वहां पर पहुंचे थे तो हमें वहां भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग मिले थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और पाकिस्तानी फूड तो बहुत याद आ रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा लास्ट टाइम कब आपने ट्राई किए? न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में हम गए, और अब वो मुझसे कोई भी पूछेगा न्यू जर्सी का एक्सपीरियंस कैसा, तो हम मैं यही कहूंगी कि हम सिर्फ खाने और सोने गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तानी फैमिली थी जहां हम रुके थे, और बस हम खाते ही रहे और सोते ही रहे वहां पे। ठीक है। और कोई भी एक फनी मोमेंट हो, कोई भी एक, फनी लाइक बहुत होते हैं मुझे पता है, लेकिन कोई भी एक फनी मोमेंट हो। फनी मोमेंट ये था कि न्यूयॉर्क में मेरे साथ में और आमना थे सिर्फ मेरी फ्रेंड, तो हम ये थोड़ा अब ज्यादा ही फनी हो रहा है ना, कोई हम नहीं, एक कोई नहीं, जो दूसरे की ऑडियंस है वो पिक्चर्स फनी के बना लिए रहे बैठी है। थे, हम एक दूसरे की पिक्चर्स बना रहे थे, तो न्यूयॉर्क में क्योंकि नवंबर में एक्सट्रीम किस्म की ठंड होती है, तो हमारे हाथ जो है ना फ्रीज हो रहे थे, और हम अपने ग्लव्स भी बैग में ही छोड़ के होटल में ही आ गए हुए थे,
तो जब हम अब बहुत ही हाथ ठंडे हो गए, अब क्या करें, तो वी हग्ड ईच अदर एंड हमने एक दूसरे के कोर्ट में जो है ना अपने हाथ डाले हुए थे, और हम इधर उधर देखे थे, और हम कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये प्राइड के सपोर्टर्स हैं। नहीं, इससे भी ज्यादा फनी भी एक था, लेकिन थोड़ी सी बात लंबी हो लाइक जाएगी, न्यूयॉर्क अब में तो ये बताते। नॉर्मल सी बात है, हाँ, न्यूयॉर्क एक में तो हुई ये। थी, सुना तू एक और। हाँ हाँ सुनाए सुनाए, हम सुनने के लिए अच्छा बैठे हैं। अच्छा ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था प्राइड का, मुझे पता था लेकिन मुझे उनके स्टिकर्स का और कलर्स का नहीं पता था, तो ये भी एक कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक हुआ, कोई सेमिनार था या क्या, वहाँ पे स्टिकर्स वगैरह मिलते रहते, तो मैं बहुत सारे स्टिकर्स उठा के लाई, तो प्राइड के स्टिकर्स मैंने लगा लिए अपने लैपटॉप पे, और मुझे नहीं पता, मुझे तो ये था कि कलरफुल हैं, प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और एक लड़की थी मेरी क्लास में, उससे उसने कोई मेरी हेल्प की, तो मैंने फेसबुक पे मैसेंजर पे उसको थैंक यू बोला, और आगे मैंने इमोजी बना दी स्माइली वाली जिसपे 3 हार्ट्स होते हैं। मेरे लिए तो ठीक है। नॉर्मल था ना कि हम फ्रेंड्स को सेंड करें इमोजी या स्माइल है, तो शी विल बी लाइक, व्हाई आर यू सेंडिंग मी दिस। मैंने कहा क्या हो गया। शी वाज लाइक, हम फ्रेंड्स में ऐसी इमोजीज नहीं भेजते, ऐसी। मैंने कहा ऐसी कैसी, तो वो ठीक है हो गया, तो उसको लगा कोई ऐसी वैसी बात है। अब हमारे लिए हम तो सोच भी नहीं सकते होते ना, तो अगले दिन में वही वाले, उसको मैंने क्लियर किया कि हमारे लिए ये नॉर्मल है और ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन में अपना लैपटॉप लेके उसके पास जाके बैठ गई जिस पे प्राइड के स्टिकर लगे हुए थे। उसने और ही सोचना होगा कि बस यही कोई बात है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप खोल दिया ताकि उसकी वो साइड दूसरी तरफ मुझे जाए। और मुझे स्टिल नहीं पता था, ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी कि तुमने क्यों ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं, और मैंने उसको वो भी बताया सोच कि रही होगी प्यारे ना लग कि रहे हैं। क्या हो गया, मोद साहब हाँ को यहाँ पे आके। हाँ फिर मैंने उतारे, पर लैपटॉप खराब हो रहा था, अभी भी दो वहीं पे लगे हुए हैं। चले चले कोई बात नहीं है, तो होते रहता है, और नॉर्मल से ही बात है ये। अच्छा लाइक एक्सपोयर अभी तक आपने जो किया है वो, उसमें क्या डिफरेंस है और क्यों लाइक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूक्रेट पे आना चाहिए? आज तो वो काफी होते हैं कि हमें क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो रहे, और हमें लाइक अब क्या कहना चाहिए, हाँ, क्रेडिट ट्रांसफर अगर नहीं भी होते तो भी आना चाहिए या नहीं आना आना चाहिए, कैसे बोलना है? चाहिए, आना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक डिसीजन था यू ग्रेड पे आना, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी है अभी तक क्लास में सारे माशाल्लाह सेमेस्टर्स में, माशाल्लाह। तो मुझे तो चूज करना था, और मुझे सब जो है ना मुझ पर हंस रहे थे और गुस्सा कर रहे थे कि तुम सोच रही हो कि जाना चाहिए यूएस या नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा यार, 4 साल मेहनत की है इतनी अपनी डिग्री के लिए, तो अब मैं यूएस चली जाऊं। और फिर ये था कि सबने समझाया, और मैंने भी बहुत ज्यादा सोचा कि मेरे लिए क्या मैटर करता है, मार्क्स या फिर मेरी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, एक्सपोयर, क्या मैटर करता है, जो मेरे अंदर चेंज आएगा, क्या मुझे वो चाहिए या बस नंबर ले लेके ही जो है ना वो वैसा ही रहना है जैसे आप हमेशा से हो। तो फिर मैंने चूज किया यू ग्रेड, और मेरे ख्याल में ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आप ना कभी, आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, आप आपके कंफर्ट जोन होता है, आप वैसे ही चलते रहते हो पूरी लाइफ में, आप कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो जब आप बाहर आते हो, आपको चेंज मिलता है, आप उन सारी चीजों से दूर होते हो, बिल्कुल नई जिंदगी होती है, तो आप अपने आप को पहचानते हो। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी जज नहीं करता कुछ नहीं, तो ये होता है कि मतलब हमेशा से मैंने जैसे YouTube का बोला, अब आप कहेंगे कि मैं अपने आप को शाउट आउट देने के लिए कह रही हूँ नहीं लेकिन नहीं क्योंकि वो ये तो मैं इज लाइक अ वो तो मैं पार्ट हर ऑफ किसी को दे देता हूँ जो क्यों भी मेरे यू ग्रेड वाले हैं। या क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे मैं किसी भी टाइम जो है ना सेल्फी स्टिक निकाल के यहाँ से जा रही होती हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, ये कर रही ना हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे पता है कोई जज नहीं कर रहा। तो ये चीज मैं पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी, और पाकिस्तान में तो मे भी शायद होते हैं बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स वगैरह, लेकिन आजाद कश्मीर से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा ओपन जो है ना नहीं होता, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो ये तो है। डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, अगर आप ये सोचते हैं कि क्रेडिट आवर्स की वजह से या कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। ठीक है।
और कोई भी कैसी चीज जो आप अपने कैंपस में मिस करेंगे, क्योंकि अभी आप कहती हैं 2 वीक्स रह गए हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, दो तीन तीन मैक्सिमम वीक्स, तो ऐसी क्या चीज होगी जो आप अपने कैंपस में मिस करेंगे? टीचर्स, क्योंकि अच्छा टीचर्स लाइक आप व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टीचर्स, लाइक जो पाकिस्तान में है और जो के यूएस में है, उनमें क्या मेजर डिफरेंस है इनमें? टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और अंडरस्टैंडिंग हैं, और मे बी इसमें हमारी पाकिस्तानी टीचर्स, कभी कभी दुख तो होता है लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उनकी भी गलती नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ना कि वो ज्यादा उनको फ्रेंडली अगर आप माहौल देंगे और वो फिर वो भी खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर टीचर्स उनको ऐसी फ्रीडम देते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, तो स्टूडेंट्स आगे से उनको रिजल्ट भी देते हैं कि ठीक है, फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री नहीं हो जाते। पर ये कि टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, कहीं दूर से भी जा रहे होंगे, हाय हेलो और स्माइल, और मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने ये हरकत कर दी वापस जाके, मेरे टीचर दूर से जा रहे होंगे, उनका हाय, और वो कहेंगे इसको क्या हो गया है तो ये चीजें मिस करूंगी। ठीक है ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट प्रोबेबली कि जो आजाद कश्मीर की मुहादसा थी और जो इडाहो की मुहादसा है, उन दोनों में क्या चेंज है? शी इज मोर कॉन्फिडेंट, हुँ। मोर इंडिपेंडेंट, और मैं समझती हूँ कि शी इज द बेस्ट। तो जो आजाद कश्मीर वाली थी वो बेस्ट नहीं है? अच्छी थी वो भी, वो थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंट थी, थोड़ी ज्यादा लोगों के बारे में सोचती थी, कोई नाराज हो जाएगा, कोई क्या कहेगा, अब फर्क नहीं पड़ता। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक सीधी बात, सच्ची। स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले भी थी, लेकिन पहले वो बात में करके फिर मैं फील करती थी ओहो अगले बंदे को बुरा लग गया होगा, लेकिन ये कि यहाँ पर आके मैंने ये चीज सीखी है कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है, आप सबसे पहले आप मैटर करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतर है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस। ठीक है। और एक और लास्ट हमारा, लाइक क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे पास, आप लोगों की री आप तो एंट्री कह वर्क रहे थे कब सिर्फ हुई थी? 10 मिनट का वो बस इंटरव्यू अब बढ़ गया ना। आप लोगों की री एंट्री वर्कशॉप हुई थी, वो कैसे, लाइक वो क्यों होती है और उसमें क्या चीजें होती हैं? रीएंट्री वर्कशॉप भी जबरदस्त थी, और इस दफा वॉशिंगटन डीसी में हुई, वरना कहाँ पे होती थी, यूटा में, यूटा में होती है। तो ये भी एडवांटेज था हमें कि हम वहां से इजीली न्यूयॉर्क चले गए, तो आप लोग डायरेक्ट तो एडवाइजर से अलाउ कर दिया था? परमिशन लेके ट्रेवल ऑथराइजेशन फॉर्म फिल करके पहले सब कुछ बता के फिर। और रीएंट्री वर्कशॉप इसलिए होती है कि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा सके रिवर्स कल्चरल शॉक के लिए, कि जो जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उन्होंने हमें समझाया कि आप जब वापस जाएंगे तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे और आप सोचेंगे कि आपका दिल करेगा मैं ये भी बताऊं ये भी बताऊं सबको, लेकिन सामने वाले लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो हर वक्त अमेरिका 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 नहीं सुनना चाहेंगे, तो आपने फील नहीं करनी ये बात क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस और ये सारे इतने महीने आपने एंजॉय किया और आप आगे बढ़े जिंदगी में, वो लोग वहीं पे हैं, वो भी चेंज हुए हैं, लेकिन मतलब वो आपसे जो है ना उनकी दुनिया आप थोड़ी थोड़ी अलग है, तो आपने जाके एडजस्ट होना है, आपने ये नहीं सोचना कि उनको ही एडजस्ट होना है मेरे साथ और उन्होंने इनकॉपरेट करना है, आपको ये चीज समझनी है। ये तो बहुत अच्छी बात की, लाइक मैं तो क्यूरियस हो गया हूँ कि आईरेक्स एडवाइजर्स को ऐसी सच्ची अच्छी बातें कौन बता रहे हैं यहाँ से। हाँ, आपकी बारी तो नहीं हुआ था। नहीं, हमारी दबाव, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सच्ची, लाइक हाँ हमें आईरेक्स एडवाइजर्स ये कहा नहीं था, बट हाँ हमने एक्सपीरियंस किया था ये आके, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आईरेक्स एडवाइजर्स को अब ये सच्ची सच्ची बातें कौन पहुंचा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे तो हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, और आईरेक्स एडवाइजर्स चेंज भी हो गए हैं हाँ, मेरे ख्याल से, टोटली कोरेटा भी सारे चले चेंज गए हो गए। हैं। अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि आप लोगों ने लाइक कितने बंक्स किए हैं अभी तक, लाइक एरिक्स एडवाइजर को नहीं बताया? आप गलत बंदे से ये अच्छा, सवाल कर रहे हैं, लाइक आपने नहीं किया अभी तक कुछ भी, मैंने फिर बिना तो बताए कुछ नहीं किया, और मैंने सिर्फ सारी क्लासेस एक-एक मिस की थी, एक सिर्फ कंट्री प्रेजेंटेशन की वजह से दो क्लासेस मिस की थी, मतलब एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक सब्जेक्ट की एक-एक, लाइक वो और तो एक में ऑफिशियल जब छुट्टी हो गई ना।
नहीं पर लगी तो है ना। वो तो बट आयरेक्स को तो कहेंगे ना कि वो तो कहेंगे चलो कोई हाँ, नहीं। और वॉशिंगटन डीसी जब गई थी तब एक क्लास मिस हुई थी, और एक में अच्छा नहीं फील कर रही थी, क्लास में जाने का दिल नहीं कर रहा था, एक तब की थी। तो सारे सब्जेक्ट्स में मेरी सिर्फ एक एक छुट्टी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वो भी पूछ रहा था कि रीएंट्री में जब आप लोग थे लाइक वाशिंगटन डीसी में, तब भी आप लोगों ने बंक नहीं किया क्योंकि 10 बजे आई थिंक, सो 10 बजे स्लीपिंग आवर स्टार्ट होते हैं। अच्छा वहां पे हाँ गए थे ना सब लोग बाहर, और नेक्स्ट हाँ डे मैं तो यूट्यूब वीडियो बना रही थी, और मैंने बंदे से पूछा, हसन से मैंने पूछा कि ना हम आज कहाँ जा रहे हैं, तो ही वाज लाइक हम यूएस कैपिटल जा रहे हैं लेकिन हम वहां से रात को होके आ गए। मैंने कहा ओ ये तो नहीं बताना था। आप नहीं गई थी? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गई थी। तो गए थे, दोनों दिन गए थे सब लोग। चलें चलें, मेरे ख्याल से हमारे जो है वो काफी आपने टाइम ले लिया हम लोगों ने, मैंने भी और मैंने मेरे आपका जो टाइम ले व्यूअर्स थे लिया, उन आपने लोगों ने बोला। भी। नहीं नहीं मैंने मैंने कहा मैंने आपका इतना ज्यादा टाइम ले लिया अभी आपका, क्योंकि अभी स्केड्यूल चल रहा है, लास्ट डेज है और पता है मुझे कि लास्ट डेज में तो जो है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक डेज होते हैं हमारे। और शाउट आउट भी देंगे हम जो है मोहत्सा को, लाइक हम इंस्टाग्राम पे भी यस देंगे, हम यूट्यूब पे भी देंगे, तो जहाँ पे भी। और थैंक मोहत्सा जो यू है, मोहत्सा ने अब भी आई थिंक नहीं, मोहत्सा ने बहुत पहले से स्टार्ट किया अपना चैनल, और मोहत्सा जो है प्रॉपर व्लॉग्स बना रही होती है जितना भी। मैं आपको फॉलो कर रहा होता हूँ, बेफिक्र हैं आप। थैंक और नहीं मैं देख रहा था एक दो वीडियो से, मैंने कहा यार बहुत अच्छा काम करें, और मुझे जो है वो मोहत्सा के साथ करना चाहिए ताकि इन्हें जो है एक प्रॉपर जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो जाके मोहत्सा को देखें और इनकी लाइफ से भी, और जो भी कुछ ये एक और डाउन बात, कर रही है। नहीं मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये पहले बोलनी चाहिए थी पर मुझे याद अभी आया, और मेरी एसओपी रिव्यू की थी उस्मान ने, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और अच्छी मतलब आपने मुझे फीडबैक दी, मैंने उसमें चेंजिंग्स भी की थी और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई, सो थैंक यू माशाल्लाह वंस माशाल्लाह, अगेन। कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है। हम तो इधर बैठे इसलिए हुए हैं, और मैंने तो इस दफा लाइक डिसाइड किया है कि इस दफा हमने कुछ भी नहीं करना। मैंने जो भी लाइक जो यूपीआईड के अभी अलुमनाइज न्यू आएंगे तो उनको सारी फॉरवर्ड कर देनी है एसओपीज, ताकि वो लोग भी एंजॉय करें इस चीज को ना, किस तरह रिव्यूज करते हैं और किस तरह न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं। और थैंक यू सो मच मोहत्सा। आप अगर अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे बता रहे हैं, यूजर नेम वगैरह अगर कुछ भी है, या आपका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम वो तो मैं पे है लगा दूंगा लाइक, फिर भी मोहत्सा राइट्स, और यूट्यूब पे मोहत्सा इंस्पायर्ड फ्रॉम द नकवी। अब्दुल रहमान राइट्स। नहीं, राइट्स मेरा पहले से था अच्छा क्योंकि मैं पोइट्री लिखती हूँ, और अब मैं सोच रही थी कि राइट्स हटाना चाहिए, पर मैंने बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है, अब देखती हूँ। नहीं नहीं लेकिन ठीक है यहाँ लाइक अब्दुल ठीक रहमान की और आपकी वीडियोस में देखती थी, और फिर मुझे, और मेरी पहली बार मेरी सिलेक्शन ही ना हुई थी यू रेट के लिए, तो वो उस पूरा साल तो मैं आप लोगों की वीडियोस ही देखती रही क्योंकि मैं जरा सदमे में भी थी और मुझे जाना था यू रेट पे, तो चले मैं सर्च फाइनली अब कर अभी करके देखती थी। फाइनली अभी आप इडाहो में बैठी हुई हैं देखिए, और हम यस लोग जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, yes. तो अच्छी बात है बहुत ज्यादा, और एंजॉय करिए आप लोग। मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो हैं वापस आए तो कल्चर शॉक ना ही लगे आपको, बट इंशाल्लाह लगेगा लाजमी, जितने मजे लगेगा कर ले लगेगा लगेगा। लाजमी, बट कोई इशू नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर कभी अगर कोई हमारा मीटअप वगैरह होता है अलुमनाइज वगैरह तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आपने टाइम शुक्रिया। निकाला अपना, और चले इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।